हे गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज हम बना रहे हैं इस वीडियो में होममेड पास्ता। पास्ता की रेसिपी है, मैंने काफ़ी टाइम पहले शॉर्ट्स में मैंने डाला था इसको, और मैंने पूछा था कि किसको इसकी फुल वीडियो चाहिए एक रेसिपी की, तो बहुत तो फरमाइश पर मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, और इसकी रेसिपी आपको बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो को एंड तक चेकआउट करो, रेसिपी को आपके घर बनाओ, एक बार ट्राई करो, और मुझे कॉमेंट में बताना फिर से आकर कि आपको रेसिपी कैसी लगी जो हमारे यहाँ बनती है, जो हम खाते हैं। हमारी होममेड रेसिपी कुछ अलग हटके नहीं है, वही नॉर्मल सॉसेज डाल के, लेकिन टेस्ट और जो बनाने का तरीका है और जो मेरे दीदी के हाथों का प्यार है, वाह 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 वाह। तो वीडियो को एंड तक देखो, लेट्स गो। पास्ता बनाने के लिए हमने पहले पास्ता को बॉईल कर दिया है अच्छे से। अब इसको अपन ड्रेन करेंगे, पानी छान के अलग निकाल लेंगे अपन इसको अभी। तो ये अपना गया इसमें, तो फटाफट से मैं इसको छान लेता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो हमने लिया है प्याज, जिसको हमने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया है। ये पत्ता गोभी है, ये शिमला मिर्च है, और ये हमने अदरक लहसुन को हमने चॉप कर दिया है बारीक बारीक। और सॉस में हम ले रहे हैं ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस, और ले रहे हैं फ्लेवर के लिए मेरी मैजिक मसाला, जो भी अपन बोलते हैं मैगी मसाला। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट, अपन कढ़ाई बिठाते हैं और दिखाते हैं। हो गया हमारा तेल गरम, अब हम डाल रहे हैं इसमें चॉप अदरक और लहसुन, पहले हम चॉप किए हुए वो डाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बाकी वेजेस डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। अब धीरे धीरे डाल दिया इसमें प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करा है अदरक लहसुन को, बस हल्का सा सौते करा है, फिर हमने डाला है प्याज इसमें। और बाय द वे भाई साहब, सही बोल रहा हूँ मैं, अदरक लहसुन की खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये प्याज डाल दिया है, अब इसको भी हल्का सौते कर हम करेंगे। कोई भी वेजिस को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस सौते करेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी रहे। अब हम डालेंगे इसमें बाकी की वेजिस जो हमने कट करी थी, ये पत्ता गोभी और फिर शिमला मिर्च भी डालेंगे इसमें। पत्ता गोभी डल गई हमारी, और अब डलेगी शिमला मिर्च। अब इन सबको अच्छे से सौते कर लेंगे, तो उसके बाद जो मसाले हैं, जो सॉसेस हैं, फिर हम उसके बाद वो डालेंगे। सॉल्ट डाल देंगे इसमें इस स्टेज पर, अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा एक बार में डाल देंगे अपन। अब दीदी इसमें काली मिर्च डाल रही है, हम भूल गए थे, अभी दीदी ने फ्रेश इसको कूटा है, हैंग ग्राइंड इसको आप बोल सकते हो, बढ़िया से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल दरदरा करके इसको कूटा है। अच्छे से मिक्स कर देंगे अपन इसको, जो अपन ने सॉल्ट डाला है, फिर अपन ने काली मिर्च का पाउडर डाला है, हैंग ग्राइंड मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद अपन सॉसेस डालेंगे इसके अंदर। तो अब अच्छे से हमने सौते कर लिया है, अब डालें हम इसमें मैजिक मसाला डालेंगे मैगी का। तो पहला डल रहा है, उसके बाद दो और डलेगा अपन इसमें। अब सॉसेस ऐड कर रहे हैं, पहले हम डाल रहे हैं ग्रीन चिली सॉस, अच्छे से डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, बाय द वे ये डार्क सोया सॉस है, और अपन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसका कलर पूरा चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर है, और खुशबू भी एक नंबर आ रही खुशबू इसमें से, बहुत ही प्यारी खुशबू। तो अब बारी आ चुकी है अपने पास्ता जाने की, तो पास्ता अपना भाई जाएगा इस सॉस के अंदर, इस सब्जियों के अंदर, और मचाएगा तहलका और करेगा ब्लास्ट। तो हम फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अब काम कुछ नहीं बचा अपने पास, बस मिक्स करना है, कुक करना है, और फिर टेस्ट करना है और आपको बताना है। तो मिलता हूँ मैं आपको सीधे टेस्टिंग पर, बाय। तो अब आ गए हम टेस्टिंग के लिए, जाहिर सी बात है टेस्टी तो होगा ही सही, मेरी दीदी ने बनाया है, और आप भी इस रेसिपी को फॉलो करना, बनाना, टेस्ट करना, और मुझे कॉमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तो टेस्ट करूँ मैं इसको फिर। एक नंबर, फर्स्ट क्लास बना। टेस्ट बोलूँ ना तो अदरक लहसुन का टेस्ट जो है बिल्कुल निखर के आ रहा है, एक बहुत ही टैंगी सा भी है, थोड़ा सा स्वीट सा भी है, और स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, माइल्ड है, बिल्कुल स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, मतलब टेस्ट तो भाई एकदम अपरंपार। मज़ा आया खा के मेरे को, और आप भी बताना मेरे को कैसा लगा आपको। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेक श्योर कि आप जाते वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कीप सपोर्टिंग मी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।